दुनिया नहीं है बबल। जानू मैं काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। अच्छा फिर क्या करने के लिए पैदा हुए हो? मैं सोचने के लिए पैदा हुआ। What? Yes! दुनिया में चंद लोग ही तो हैं मेरी तरह के जो सिर्फ सोचने के लिए पैदा हुए। तो फिर क्या सोच लिया तुमने? मैं मुसा मैंने सोच लिया। क्या? एक ना एक दिन हम फिर अमीर हो जाएंगे और फिर मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। शट अप नबील। ओके जानू। अरे आ जाओ यार, कोई छुपे ना छुपे मैं आ गई। क्या पकाया है मोमो आज? आज मैंने आप लोगों की खुशी की खातिर बिरयानी पकाई है। अरे वाह। अरे ये कौन सी बिरयानी है, इसमें तो बोटियां ही नहीं है। लगता है माँ जी ना बगैर गोश्त वाले जानवर की बिरयानी बनाई है। अरे क्या जेलीफिश की बिरयानी पका ली है तुमने? नहीं जी, आज मैंने स्पेशल बिरयानी बनाई है बगैर गोश्त के और बगैर मसाले के। हाँ बच्चू। अरे तो सीधा सीधा बोलो ना कि तुमने चावल उबाल लिए हैं। माँ जी घर में कोई दाल वाल नहीं है यार। घर में कुछ नहीं है नबील। वो तो रूखे चावल कैसे खाएंगे? ना तो पुत्र तू इसमें पानी डाल के खा ले। अरे घर में दही तो होगा। और घर में सिर्फ प्याज थी जिसका मैंने चार बना लिया। लहसुन माँ जी। हाँ जी घर में सिर्फ प्याज थी जिसका मैंने लहसुन बना लिया। बस याद होती है यार, इस घर में इंसान को दो वक्त का ढंग का खाना भी नसीब नहीं है। नबील जो मिल रहा है ना सब्र शुक्र करके खा लो, वरना जिस किस्म की तुम लोगों की हरकतें हैं ना बहुत जल्द फाके होंगे। भाई मैंने तो जिंदगी में ऐसा अचार नहीं खाया। अरे कैसे खाएंगे महमूद साहब, ऐसा अचार बाजार में मिलता ही कहाँ है? यार एक आइडिया आया है नबील। क्या यार, क्यों ना तुम्हारी माँ के इस टैलेंट से भी फायदा उठाया जाए। वो कैसे? भाई हम तुम्हारी माँ से अचार बनवा कर मोहल्ले में बांटेंगे और पैसे कमाएंगे। ओ यार मोहल्ले में अगर हम बांटेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे? मेरा मतलब है मोहल्ले में बेचेंगे नबील। ओ नहीं यार महमूद साहब, मैं अच्छा लगूंगा लोगों के दरवाजों पर जा जाके अचार बेचता हुआ, अचार ले लो अचार। अरे तो घर के बाहर एक बैनर लगवा देते है ना, लोग आके खुद हमसे अचार ले लेंगे, कैसा? आइडिया बुरा नहीं है महमूद साहब, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अपना स्टैंडर्ड हाई करने के लिए हम एक आधी बरनी से शुरू नहीं करेंगे, 1000-1500 बरनी से शुरू करेंगे। हाँ महमूद साहब, महीने के बाद ताकि उन पैसों से अपनी एक दुकान खोल सके, और एक से दो, दो से तीन, बस यूँ समझ लीजिए कि 6 महीने में हम करोड़पति हो जाएंगे। वेरी गुड वीर। चलो फिर अंदर चल के ना तुम्हारी माँ से बात करते हैं। कौन सी बात? अरे हमें अचार का काम शुरू करना है ना। ओ यार महमूद साहब, जब हमने 6 महीने बाद करोड़पति हो ही जाना है फिर ये छोटा मोटा काम करने की क्या जरूरत है? तुम शायद भूल रहे हो नबील, ये जो 2 मिनट में तुमने करोड़ों रुपए कमाए हैं ना वो इसी अचार की वजह से कमाए हैं। अरे हाँ हाँ महमूद साहब, चले माँ जी से बात करते हैं। चले माँ जी हम करोड़पति होने वाले। ये सब क्या हो रहा है? अरे खूबसूरत, हम कुछ ही दिनों में करोड़पति होने वाले। नबील ये शेख चिल्ली के ख्वाब देखना ना बंद करो। नहीं जानू, इस बार हमने बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान बनाया है। और क्या है वो प्लान? हम माँ जी को नया बिजनेस शुरू करवा कर दे रहे हैं भाई। वश वश पुत्र, मैं ना सोने का काम करूंगी। अरे सोने का काम तो तुम हम दोनों पे छोड़ दो। क्या? तुमने ना जाग कर काम करना है। ना मैंने करना क्या है? माँ जी आपने अचार बनाना है। अचार? हाँ जानू, हम माँ जी के हाथ का बना हुआ शानदार अचार मार्केट में बेचेंगे। हमारा दिमाग खराब है क्या नबील? हाँ जानू, तुम्हें पता हमारे अचार की डिमांड पूरी दुनिया में होगी। हम अचार एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर्स में पैसे आएंगे, डॉलर्स में। जहाँ जहाँ बुलबुले देखा जाता है ना वहाँ वहाँ तुम्हारी माँ के हाथ का अचार बिकेगा। मोमो अचार। आप मेरा अचार बनाकर बेचेंगे हैं? अरे नहीं मोमो, तुम अचार बनाओगी और हम बेचेंगे। लेकिन मुझे तो अचार बनाना ही नहीं आता। अरे माँ जी, जो अचार आज आपने बनाया था ना वैसा ही तो बनाना है। हाय पुत्र, वो तो मैं भूल ही गई। क्या? अरे याद करो मोमो, याद करो। मैं किसे याद करूं? अरे अचार बनाने का तरीका याद करो, तुमने कैसे अचार बनाया था? वही तो याद नहीं आ रहा मुझे। ये ले माँ जी बादाम। बादाम का अचार बनाना है? वो नहीं नहीं माँ जी, बादाम खाएं शायद आपको याद आ जाए। क्या याद आ गया माँ जी, जल्दी से बताएं, मैं मुझे सब याद रखिएगा। मुझे याद आ गया, मैंने आखिरी बार बादाम तेरी शादी पे खाए थे पुत्र। ओ माँ जी अचार की तरकीब याद करें प्लीज। ओए वही तो याद नहीं आ रही पुत्र। अरे तुम इसे छोड़ो, खूबसूरत तुम अचार चख के बताओ कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। हाँ ये ठीक है, फिर उस हिसाब से हम अचार बना लेंगे।
लहसुन और सरसों के तेल की स्मेल आ रही है। याद आ गया। अब मुझे गिटार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। गिटार नहीं, अचार। हाँ, अचार बना के दिखाऊंगी मैं। मामू साहब, अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जानू, तुम माँ जी के साथ अचार बनाने की तैयारी करो। मैं और महमूद साहब अचार की मार्केटिंग शुरू करते हैं। वो जो हम शुरू करेंगे वो मार्केटिंग होगी। हाँ जी, चले शहजाद खान को बोलते हैं, बैनर बनवाते हैं। ये चीज पशेमान, आइए और जिंदगी के मजे पाइए। बुलबुले बनाने वालों की तरफ से फखरिया पेशकश, मोमो इंटरनेशनल अचार। ना ना, ये सिर्फ अचार नहीं है कदरदान मेहरबान, इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। जी हाँ, मोटापे का, बुढ़ापे का और मरीजों की स्पेशल चीजों का इलाज। मोमो इंटरनेशनल अचार कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करे, लंबे मुंह को गोल करे, मर्दाना कमजोरी दूर करे, जवान बनाए। यार नबील, ये सारा ना बेच देना, थोड़ा सा अपने लिए भी रख लेते हैं। आइए भाइयों, एक बरनी की कीमत सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया। 1,000 रुपए में जिंदगी खरीदिए। आइए। महमूद साहब, बंदे से ऑर्डर पकड़े। हाँ जी, कितनी बरनियां पैक करवाऊं? भाई पहले टेस्ट तो करवा दें। ओए, मुफ्त का माल समझा है? चल निकल यहाँ से, टेस्ट कराए। चल अपने सुल्तान में जाके टेस्ट करा। निकल यहाँ से, चल। आया बड़ा, टेस्ट करा दे। यार नबील, ये कोई और ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? ओ, आ जाएगा यार। महमूद साहब, हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, बाकी तो माँ जी ने करना है। हमने तो सिर्फ कैश पकड़ना है। कैश? वो जो हमने पकड़ना है वो कैश है। जी कैश है। आओ फिर। आए महमूद, अचार रेडी हो गया? हाँ जी, मैंने मक्खियों वाला तो बगैर मक्खियों वाला लैदा लैदा करके रख दिया। हाँ जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? पूरे घर में अचार की बू फैली हुई है। सर फट रहा है मेरा। तेरा सर फट रहा है ना, तो दफा हो जा इधर से। What? तुम किसी हाल में खुश नहीं हो सकती खूबसूरत। मैंने तुम जैसी नाशुक्री औरत नहीं देखी। अरे मियाँ के कारोबार का आज पहला दिन है, उसको विश करने की बजाय ऊपर से नाक चढ़ा रही हो। क्या फजूल कारोबार है, 2 घंटे हो गए, मक्खियों के सिवा तो कोई नहीं आ रहा अचार लेने। अरे आ जाएगा भाई, कारोबार को जमने में थोड़ा वक्त तो लगता है, क्यों नबील? हाँ महमूद साहब, और जानू तुम देख लेना, हमारा अचार लेने के लिए गली की नुक्कड़ तक लाइन लगी होगी। वो जो गली की नुक्कड़ तक लगी होगी वो लाइन होगी। हाँ जी। महमूद साहब मुबारक हो, पहला ग्राहक आ गया है। देख लिया तूने, बोनी हो गई है। आओ नबील, जल्दी चले कि वो दुकान बंद समझ कर चला ही ना जाए। चलो 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 चलो। अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम। बस आइए ना, अंदर आइए। नहीं नहीं, यहीं खड़े होकर बात करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। ये बताइए कितना चाहिए? ओ गुड यार, तुम लोग तो पहले से तैयार बैठे हुए। हाँ भाई, इतना बड़ा बिजनेस शुरू किए, तैयारी तो रखनी है ना। ये हुई ना बात। हाँ बस ऑर्डर करें, कितना माल चाहिए? ओ ये ले, इस पर्ची में लिखा है सब कुछ। पर्ची में क्यों? ओ माल ज्यादा है ना इसलिए। अच्छा बात सुनो, तुम लोग बंदोबस्त करो, मैं थोड़ी देर में फिर आता हूँ। ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नबील, कोई बड़ी पार्टी लग रही है। मैं मूसा, ऑर्डर भी बड़ा लग रहा है। आओ तैयारी करते हैं। चल लंगी मक्खियाँ, नाले बड़ा कुछ गेड़ गई आँखियाँ। माँ जी मुबारक हो, पहला ऑर्डर आ गया। अरे किसका पुत्र कितने का है? ओए ऑर्डर कितने का है? अरे नबील खोल कर तो देखो ऑर्डर कितने का है। हाँ हाँ महमूद साहब, ये गोली किस चीज की है यार? ताकत की होगी। ओए, इस कागज पे गोली बना के भेजी है। ओ नहीं माँ जी, इस कागज में से गोली निकली है। ओए किसी की गिर गई होगी पुत्र, छोड़। ये पढ़, ऑर्डर कितने का है? यार महमूद साहब, बड़ी गंदी लिखाई है यार। अरे नंबर पढ़ो ना। महमूद साहब 50 लाख है, दिखाओ जरा मुझे। अरे ये तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दहजा, अरे ये तो 5 लाख है। 5 लाख? अरे 5 लाख बर्निया तेरा क्यों बनाएगा? अरे नहीं भाई, 5 लाख रुपए लिखा है। जानू तुम अपने शौहर को हल्का ले रही थी ना, पहला ऑर्डर ही 5 लाख रुपए का आया है। क्या? हाँ जानू, दिखाना जरा इधर।
नबील, इस पे तो लिखा है 5 लाख रुपए या गोली। मेरे ख्याल में जानू 5 लाख रुपए ले लेते हैं, गोली का हमने क्या करना है। हाँ, गोली के लिए तो बंदूक भी लेनी पड़ेगी। यार महमूद साहब, 5 लाख रुपए के हिसाब से हमें कितनी बर्नियां तैयार करनी पड़ेंगी। यार इसका तो हिसाब लगाना पड़ेगा। चले फिर अंदर बैठ के आराम से हिसाब करते। नबील कितनी हुई? ओ यार मैं पूछा, चुप करे ना यार, हिसाब करने दे। 1000 रुपया की अगर एक बरनी हो तो 5 लाख रुपए की कितनी बन गई? 500। क्या? हाँ मैं पूछा, 500 बरनियां बनेंगी। मोमो जल्दी से 500 बरनियां तैयार करो। मैं इतनी बरनियां नहीं बना सकती। ओए कैंसिल करो ये ऑर्डर। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो मोमो, लक्ष्मी हमारे घर खुद चल कर आ रही है। कौन लक्ष्मी? पैसे पैसे मोमो, पूरे 5 लाख रुपए, और तुम जरा सा काम नहीं कर सकती। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। ओ जानू बस कर दो यार, तुम्हें हमारे हर काम में गड़बड़ लगती है। यार नबील एक बात की मुझे समझ नहीं आई, उस आदमी ने हमारा अचार टेस्ट भी नहीं किया और इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया। मैं मुझे मुझे शक है कि वो हमसे सस्ता खरीदेगा और बाहर के मुल्क भेजेगा महंगा। अच्छा, और चले दफा करें मैं मुसा, हमें से क्या है, हमें तो अपने पैसों से खर्च है। अरे लगता है दूसरा गाहक आ गया नबील। चलो तुम एक काम करो, तुम माँ जी के साथ अचार पैक करवाओ, मैं और महमूद साहब दूसरे गाहक से मिलके आते हैं। चले महमूद साहब। यार नबील मैं तो कहता हूँ सबको मना कर देते हैं, बल्कि बैनर भी उतार देते हैं। अरे हमने जो कमाना था वो तो कमा लिया। यार महमूद साहब चुप करे, उठे आए यार, देखे कौन है। यार बड़े ढीठ हो तुम, सुनते नहीं हो किसी। अम्मिया को हल्दी तो नमक लगा के तो छत पे रखा ही है तू। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? वो माल तैयार है? हाँ तैयार है। नहीं अभी तैयार नहीं है। असल में ना आपने ऑर्डर इतना बड़ा दे दिया है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। आपको माल चाहिए कब तक? 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर? अरे 1 घंटे के अंदर कैसे माल तैयार हो सकता है, इतना बड़ा ऑर्डर है, थोड़ा टाइम तो दे। क्यों नबील? अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो कुछ एडवांस दे दे। अच्छा वो अब एडवांस चाहिए तुम लोगों को? हाँ भाई एडवांस तो देना पड़ेगा ना। अच्छा तो फिर ये लो। ये क्या था? और ये एडवांस था, एडवांस किस चीज का? और बत्ते का, और किस चीज का? बत्ता। अबे आना, पर्चे में लिखा तो था 5 लाख रुपए या गोली। तो आपको अचार नहीं चाहिए क्या? अबे अचार तो मैं तुम लोग की हड्डियों का बनाऊंगा, अगर 1 घंटे में 5 लाख रुपए नहीं दिए तो। क्या? मैंने तुम्हें मना किया था नबील ये सब करने से, अब भुगतो। अरे जानू मुझे क्या पता था कि वो हमें पत्ते की पर्ची देके गया है। अभी तो कारोबार शुरू भी नहीं हुआ और पर्चियां पहले आनी शुरू हो गई हैं। ना तो आपको कहा किसने था मल्ले में ऐलान करने के लिए है? अरे ऐलान ना करते तो क्या सारा अचार हम खत्म करते? जानू कुछ तो करो ना। मैं कुछ नहीं कर सकती नबील। नबील मेरा ख्याल है कि कुछ दिन हमें घर में छुप के रहना चाहिए, अगर घर से बाहर निकले तो वो हमें मार देगा। नहीं महमूद साहब, मैं डरपोकों की तरह घर में नहीं बैठ सकता। हाँ मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। जानू जरा पुलिस को तो फोन करो। वशे वशे। आप लोग फिक्र मत करें, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब वो बहुत खतरनाक आदमी लग रहा था। अरे क्या मुझसे ज्यादा खतरनाक लग रहा था? नहीं आपसे ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था। तो फिर बस घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस आपकी मदद के लिए तो है ना। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। अच्छा ये बताएं उस आदमी ने आप लोगों से कितने पैसे मांगे थे? 5 लाख। 5 लाख? अरे दफा करें उसे, 1 लाख रुपए मुझे दें, उससे मैं खुद बात कर लूंगा। आप हमसे रिश्वत मांग रहा हूं? अरे ये तो आपका फर्ज है। ओ भाई फर्ज गया तेल लेने, हमें क्या मौत पड़ी कि आपके पीछे ख्वार होते फिरे। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं कंप्लेन करूंगी आपकी। यार नबील मुझे तो लग रहा है ये खुद उसके साथ मिले हुए हैं। मुझे भी ऐसे लग रहा है। पुत्र ये मल्ले के किसी बच्चे की बॉल ना हमारे दरवाजे के बाहर आके गिरी है। दिखाओ। अरे देखो नबील ये तो कोई अजीब सी बॉल लग रही है। हाँ यार मैं मुसा पर भारी भी काफी है। यार इंस्पेक्टर साहब आप देखिए क्या है। अरे ये तो ग्रेनेड है, ग्रेनेड। मोमो पकड़ो। माँ जी मुझे ये बना दिया। माँ जी बाहर फेंके, बाहर फेंके, बाहर फेंके। यार नबील ये तो फटा ही नहीं है। लगता है जी फूसा हो गया। लेकिन ये ग्रेनेड किसने हमारे घर फेंका था? हेलो। और जल्दी से 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर, ये तो अभी सिर्फ टेलर दिखाया है, और इस नकली ग्रेनेड की जगह असली बम भी हो सकता है। क्या? हाँ 1 घंटा और दे रहा हूँ बस,
जानू उसी बंदे का फोन था, कह रहा ये तो ट्रेलर है, अगर 5 लाख रुपए 1 घंटे में ना दिया तो असली बॉम्ब फेंकेगा घर में। यार नबील जरा मेरे साथ वॉशरूम तक तो चलना। ओ यार मैं मुझसे चुप करके बैठे यार, मैं खुद बड़ी देर से रोक के बैठा हुआ हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ अगर उसने सेन में बॉम्ब फेंक दिया तो मैं बाथरूम में बड़ी बुरी हालत में मरूंगा यार। सब खाम खा डर रहे हैं, हो सकता है वो कोई फ्रॉड हो और हमें डरा के पैसे निकलवा रहा हो। हाँ नबील, उस दिन टीवी पर मैंने खुद देखा है कि आजकल चर्सी मवाली भी दहशत गर्दों की आड़ में पैसे कमा रहे हैं। ओए लानत हो तुम दोनों पर, चर्सी मवाली भी इधर पैसे कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे तो तुम दोनों ने कमा रहे हो। थोड़ा सोचो नबील, अगर वो आदमी सचमुच का क्रिमिनल होता तो उसके पास नकली ग्रेनेड क्यों होता। हाँ नबील, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे और तो और वो पुलिस वाला भी उसके साथ मिला हुआ था। जी हाँ, फिर अब क्या करें जानू? करना क्या है, आने दो उस कमीने को, उसको तो मैं ही देख लूंगी। भाई शाबाश, ये चीज मेरे अजीज, ये चीज मेरी माँ। आ जाओ भाई, आ जाओ सब। ओए आ गया तू? हाँ तू, तू इंतजाम हो गया? हाँ हो गया। लाओ फिर दो जल्दी से। ये लो। ओए हमें बेवकूफ बनाता है, दफा हो जा इधर से। और तूने मेरे मुंह पे चमाट मारा? सालों देखो अभी पूरे घर को बम से उड़ाता हूँ मैं, ये देखो। अरे ऐसे तो हमने बहुत देखे हैं, क्यों मामू साहब? अरे हाँ, इससे तो मेरी बीवी कैच कैच खेलती है। ये लो वो शाबाश। क्या कर रहे हो? ये असली है ये? आए जरा क्रिकेट तो खेलते। बस दिल कहीं का भाग गया मामू साहब, कह रहा था बॉम्ब असली है। मैंने तो पहले ही कहा था कि नकली बॉम्ब है। जानू अगर असली होता तो अब तक फट चुका होता। नबील ये बॉम्ब तो असली था। नहीं मामू साहब नकली था, माँ जी मरी थोड़ी है, सिर्फ काली हुई है। क्यों माँ जी? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा।